Good morning, 12th commerce and 12th science students. I am again here to give you a lecture on Unit 2, Part Number 2. And before that, I wish you all are safe at home. I am trying to revise the English chapters which I am trying to explain to you. And you revise it properly. That is my sincere request. We had done the Unit 2, Part 1, in which we saw that there was a boy named Sahib Alam, who was living in Simhapuri in the outskirts of Delhi, and he was a rag picker and his life was very tough. Later on he tried to work at the tea stall but was not able to enjoy his life. There are many such children who are suffering from the child labor trauma in our country. So child labor is a curse in the society, and to eradicate this many steps have been taken. Now let's see the second part of this particular chapter, which has been written by Anisha. It's a different story but almost related to child labor exploitation only, and plus people living in slums. Stories about Mukesh. He's from Firozabad and he's a bangle maker, right? He's a bangle maker boy, and generation to generation is doing the same work. And Mukesh thought and went differently. Mukesh alag sochta hai, kuch dream karta hai, right? Usko mechanic banna hai. Mukesh ki father jo hai, wo sirf ghar bana raha hai. Na dono bhaiyon mein se ek ko bhi padhai ke liye bhej paaye, not send them. Aur ya to the house bhi nahi bhej paaye. Kuch young men hai, unko kuch log bol rahe hai ki aap cooperative banao, organize ho jao. पर उनके सर पे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो उनको ये काम नहीं करने देंगे. उनको जो है जेल हो सकती है, ऐसा उनको डर है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ करेंगे तो वो लीडर है. इस तरह की हालत है. तो उनके अंदर कोई लीडर है ही नहीं, उनके अंदर कोई लीडर है ही नहीं, और वो कंप्लीटली एक्सप्लॉइट हो रहे हैं. तो ये था थोड़ा सा आइडिया इस चैप्टर के बारे में. अब मैं आपको रीड करके समझाने की कोशिश करूंगा ये चैप्टर का स्टोरी. The second story is about Mukesh from Firozabad, whose entire family was into bangle making. Pura family bangle making mein hai. Like the others in the locality, dusre bhi log jo locality mein rehte hain, wo bhi bangle making mein. Mukesh, wo apna khud ka boss. Mukesh jo hai, khud alag soch rakhta hai aur usko motor mechanic banna hai. उसको मोटर का mechanic बनना है. किस सोच है उसको कि मुझे इस प्रथा से बाहर आना है और मुझे मोटर mechanic बनना है. राइटर आस्क्ड इफ ही न्यू एनीथिंग अबाउट कार्स. राइटर ने पूछा कि तुझे कार्स के बारे में कुछ मालूम है, तुझे मोटर मैकेनिक बनना है. तो मुकेश ने बोला उसको कार ड्राइव करना सीखना है. राइटर फेल्ट दैट हिज ड्रीम वाज जस्ट एन इल्यूजन. उसको लगा राइटर को कि इसका जो ड्रीम है, इसका जो सपना है, कुछ काल्पनिक है, कुछ ज्यादा उसका डीप थॉट नहीं है या ऐसा डाई हार्ड ड्रीम नहीं है. वो ऐसा लगा. फिरोजाबाद वॉज द सेंटर ऑफ इंडिया क्लास ग्रोइंग इंडस्ट्री. ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री में से क्या बनता है? बैंगल्स बनते हैं. वेयर जनरेशन आफ्टर जनरेशन हैड बीन इन्वॉल्व्ड इन दिस बिजनेस. पीढ़ी दर पीढ़ी लोग इस बिजनेस में इन्वॉल्व है, शामिल है. द पीपल ऑफ फिरोजाबाद इन्वॉल्व देयर चिल्ड्रन इन द बैंगल मेकिंग प्रोफेशन. फिरोजाबाद के लोग अपने बच्चों को बैंगल मेकिंग में इन्वॉल्व कर देते हैं, इस प्रोफेशन में, इस काम में इन्वॉल्व कर देते हैं. विदाउट नोइंग दैट इट वाज इललीगल फॉर चिल्ड्रन. उनको यह भी नहीं पता कि बच्चों से काम करवाना, चाइल्ड लेबर, इलीगल होता है. राइट? टू वर्क इन द ग्लास फर्नेस विद हाई टेम्परेचर. ऐसे ग्लास फर्नेस होता है जहां इतना हाई टेम्परेचर होता है कि नॉर्मल इंसान को सर्वाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है. डिंची सेल्स, एकदम छोटे छोटे बल्ब सेल्स होते हैं वहां पे, विदाउट एयर एंड लाइट. वहां हवा का और लाइट का ज्यादा आवंजन नहीं होता है, तो ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है. इफ द लॉ वॉज इम्पोज्ड, अगर कुछ लॉ इसके बारे में बन जाए और उसको कड़क तरीके से अमल किया जाए तो ऑलमोस्ट 20,000 चिल्ड्रन विल बी आउट ऑफ द वर्ल्ड फॉर दिस. 20,000 बच्चों को इस फर्नेस से बाहर निकाला जा सकता है. वेयर दे वर्क डे एंड नाइट, वो दिन और रात वहां पे काम करते हैं. ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ द आइज, कभी कभी उनकी आंखों की जो रोशनी है वो भी खो जाती है उसकी वजह से. Mukesh proudly announced that his house was being rebuilt. Mukesh ne garv se bola ki mera ghar wapas ban raha hai. And wanted to take the writer to his home. Aur bol, writer ko bola chaliye aap mere ghar pe aayenge.
They walked down the street, stinking lanes, पास मार रही थी ऐसी गलियों से जा रहे थे, choked with garbage, उनकी drainage facility थी नहीं, तो पूरा garbage जो है, choke हो गया था, फंस गया था, past houses that were small and dirty, वो लोग पास हो रहे थे वहां से, छोटे छोटे घर, गंदे घर थे, they had faulty doors and no windows, अजीब से टूटे हुए जो doors थे, और ऐसे खटखटखट होते रहते ऐसे doors, और no windows. Windows staining. Your families of humans and animals coexisted in a primitive state. ऐसा लग रहा था जैसे humans या animals के families coexist कर रहे, जैसे आदि मानव की तरह वो रह रहे हैं, ऐसी स्थिति में रह रहे हैं ऐसा लग रहा था, जैसे कोई facility नहीं है. They entered a half built shack, एक छोटा सा आधा सा घर बना हुआ था, of which was patched with dead grass. उसका एक पार्ट जो है वो जो ग्रास होता है, सूखा ग्रास होता है, उससे ढका हुआ. Where a frail young woman, अजीब सी जो है वो लटका हुआ था, ऐसी औरत आई, was cooking the meal for the whole family, और पूरे घर के लिए खाना बना, right? She was the wife of Mukesh, elder brother. मुकेश के बड़े भाई की जो है वो औरत थी और वाइफ थी, दो नॉट मच ओल्डर इन इयर्स, वो ज्यादा बड़ी नहीं थी, पर फिर भी उसे रिस्पेक्ट मिलता था, अपने घर की बड़ी बहू थी. She covered her face with Mukesh fathering her. वो हमेशा जो है फेस कवर करती थी, जैसे हमारे इंडिया में प्रथा है तो बड़े आते हैं तो लाज निकालनी पड़ती है, तो उस तरह से वो लाज निकालती थी और अपना मुंह ढक के रखती थी. मुकेश फादर हैड टॉयल्ड हार्ड ऑल हिज लाइफ. मुकेश के पापा ने पूरी जिंदगी मेहनत किया, पूरी जिंदगी मेहनत की थी. पहले वो टेलर थे, दर्जी थे, और उसके बाद बैंगल मेकर बने. स्टिल ही वाज अनएबल टू रिनोवेट हिज हाउस. तो भी अभी तक वो अपना हाउस रिनोवेट नहीं कर पाए और सेंड स्टूडेंट्स टू स्कूल, एक ही बच्चे को स्कूल के एजुकेशन के लिए नहीं भेज पाए. ऑल ही कुड मैनेज टू डू वाज टू टीच देयर बॉडी न्यू. हाल ही क्या मैनेज कर पाए, क्या कोशिश कर पाए, मैं उनको जो आता था जो आर्ट ऑफ बैंगल मेकिंग आर्ट आता था. मुकेश ग्रैंडमदर हैड सीन हर हस्बैंड गो ब्लाइंड. मुकेश की जो दादी माँ थी उन्होंने देखा था उनके हस्बैंड इसमें अंधे हो चुके थे. विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास बैंगल्स, डस्ट उड़ता है जब अंदर उसको पॉलिश करते हो तो उसमें से डस्ट उड़ता है, उसके कलर का डस्ट उड़ता है, उसकी वजह से इंसान अंधा हो जाता है. शी बिलीव्ड इन डेस्टिनी, वो नसीब में मानती थी. दैट गॉड गिवन लीनियस, भगवान ने जो आपको काम दिया है पीढ़ी दर पीढ़ी उसको आप ब्रेक नहीं कर सकते हो, वो ऐसा मानती थी. पुराने विचार की थी दादी वो. एज दे वर बोर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, हम बैंगल मेकर्स की जाति में पैदा हुए हैं तो उन्हें यही काम करना है और अलग अलग कलर्स के बीच में. इन द डार्क हट नेक्स्ट टू लाइट ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑफ लैंप्स, जो पटपटियों की इलेक्ट्रिसिटी की तो फैसिलिटी नहीं थी तो वो लोग लाइट ही लगाते थे. बॉयज एंड गर्ल्स सेट विद देयर फादर्स एंड मदर्स. बॉयज एंड गर्ल्स जो थे लड़के लड़के अपने माँ बाप के साथ बैठते थे और वेल्डिंग करने की कोशिश करते थे कलर्ड ग्लास एंड था उसको सर्कल में वेल्ड करने की कोशिश करके उसे बैंगल्स बनाने की कोशिश करते थे. देयर आईज वर मोर एडजस्टेड टू द डार्क, उनकी आंखें अंधेरे में ज्यादा एडजस्ट होती थी उजाले से. सोचो अंधेरे में एडजस्ट होती थी उजाले से, इतनी हालत खराब थी कि रोशनी को बर्दाश्त भी नहीं कर सकते थे. देन टू द लाइट आउटसाइड, दे ऑफन एंडेड अप लूजिंग देयर आईसाइट बिफोर दे बिकम एडल्ट्स. बड़े हो जाए या एज को क्रॉस करके एडल्ट्स बने तब तक तो वो अपनी जो है रोशनी आंखों की काफी खो देते थे. द ऑथर नोटिस्ड अ यंग गर्ल, ऑथर ने एक यंग गर्ल को देखा, उसका नाम था सविता. इन अ ड्रैग पिंक ड्रेस, पुराना से पिंक ड्रेस पहना था, सिटिंग बिसाइड अ एल्डरली वुमन, एक बड़ी औरत के बाजू में बैठी थी, हेल्पिंग इन मेकिंग बैंगल्स, और बैंगल्स बनाने में मदद कर रही थी. ये हर हैंड्स मूव लाइक मशीन, उसके हैंड्स ऐसे मूव हो रहे थे जैसे मशीन के हैंड्स मूव हो रहे, इस तरह से इतने फास्ट उसके हैंड्स मूव. The writer wondered if the little girl understood the sensitivity of the bangles already. Writer को सोच के ऐसा अजीब लग रहा था कि सच में इस लड़की को जो बैंगल्स बना रही है उसको पता है कि इंडियन वुमेन के लिए बैंगल्स का महत्व क्या है, उसके लिए कहना है, वो ऐसा सोच रही थी. ऑथर ऐसा सोच रही थी. Their eyes were more adjusted to the dark, right? The old woman told the writer that she had not enjoyed even one full meal. जो ओल्ड वुमन वहां पे बैठी थी उसने राइटर को बोला उसने आज तक एक मील भी अच्छी तरह से एंजॉय नहीं किया है इन हर एंटायर लाइफ पूरी लाइफ टाइम में. मुकेश फादर वाज एटलीस्ट एबल टू गिव हिज फैमिली द हाउस,
केश के पापा एटलीस्ट उनको घर दे पाएंगे। एवरी हाउस इन द बाइबल मेकिंग कम्युनिटी वाज शॉर्ट ऑफ, हर एक घर था उसको कुछ ना कुछ पैसे की दिक्कत थी, हमेशा पैसा कम रहता था उनके पास और दे वुड बी नथिंग एट ऑल इयर्स, तो कुछ भी उनके लिए चेंज नहीं हो रहा, नथिंग कैन चेंज ओवर द इयर्स। और ये करुण स्थिति उनकी कंटिन्यू हुई थी, वो कोई उसके चेंजेस नहीं आए थे। द राइटर टोल्ड अ ग्रुप ऑफ यंग मेन, उसने राइटर ने बोला कुछ यंग मेन को मिले वहां पे कि आप लोग ऑर्गेनाइज हो जाओ, बढ़िया तरीके से कुछ ऐसा करो कि सब मिलके काम करो और एक कोऑपरेटिव बनाओ, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी से बनाओ। बट दे टोल्ड दैट इफ दे हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड, उन्होंने बोला कि अगर हम हमारे हक के लिए लड़ने या ऑर्गेनाइज होने की कोशिश करेंगे तो हमें जेल लिया जाएगा, हमें जेल भेज देंगे, या तो हमें हो सकता है कि इस काम को इलीगल बोल के, कोऑपरेटिव होने के काम को इलीगल बोल के हमें मारा भी जा सकता है। उनके अंदर कोई लीडर था, किसी के अंदर ऐसी जिगर नहीं थी कि ये कर सके। द राइटर फाउंड टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स इन फिरोजाबाद, उसको दो अलग अलग वर्ल्ड्स मिले राइटर को। वन द एक्सप्लॉइट बैंगल मेकिंग फैमिलीज, बैंगल मेकिंग फैमिलीज थी जिनका शोषण होता था, विच वो वेरी पुअर, बहुत ही ज्यादा गरीब, सफरिंग, बहुत ही ज्यादा त्रस्त थे, बहुत परेशान थे, स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे वर बोर्न, और एक दलदल में फंस गए थे कि भाई ये हमारी कास्ट बैंगल मेकिंग है, हम इसे जन्म लिया है तो हमें ये काम करना है। द अदर वाज द वर्ल्ड ऑफ साहूकार, साहूकार यानी जो जमींदार टाइप के लोग होते हैं, मिडिल मैन जो ब्रोकर होते हैं, पॉलिटिशियंस नेता और लॉ मेकर्स, ये सब लोग जो है वो एक्सप्लॉइट करते थे पुअर वर्कर्स, उनका शोषण करते थे पुअर वर्कर्स। तो बैंगल मेकर्स एंड द चिल्ड्रन वाज स्केयर्ड, बैंगल मेकर्स और उनके बच्चे बड़े डरे हुए रहते थे टू डू एनी अदर वर्क, कुछ और काम करने से पहले सोमवार सोचते थे, बहुत डर लगता था उन्हें, जेल जाने का या तो मार खाने का हमेशा डर रहता था। द राइटर वाज हैप्पी टू नो, राइटर खुश थे मुकेश जो है बंदा एक चीज डिफरेंटली सोचता है, सबसे अलग सोचता है। द बॉय वाज फिल्ड विद होप ऑफ बिकमिंग मोटर मैकेनिक, उसके अंदर एक आशा थी कि मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा, मुझे बैंगल मेकिंग का काम नहीं करना है। ही वाज विलिंग टू डेयर, उसके अंदर जिगर थी कि मैं कुछ करूं। देयर वाज गैरेज फार अवे बट द ओनर वुड अलाउ हिम, गैरेज एक दूर था पर उसको ओनर अलाउ करेगा, ही वुड गो वॉकिंग इन दैट प्रीटी जॉब एंड लर्न एट द गैरेज, कुछ भी करके वहां पे जाके चल के भी जाएगा और मोटर मैकेनिक का काम सीखेगा एंड लर्न एंड गैरेज बिकम मैकेनिक एंड लर्न लर्न मैकेनिक बन के फिर कार ड्राइव करना भी सीखेगा। व्हेन द राइटर आस्क्ड हिम टू ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, बोले तू प्लेन उड़ाना चाहेगा, ऐसा प्लेन है तुझे, ही सेड ही वाज हैप्पी टू थिंक ऑफ कार, बोले खुश हूं मैं कार्स के बारे में सोच के, मैं बहुत खुश हूं। एक्चुअली ही हैड सीन फ्यू प्लेन्स इन फैक्ट फ्लाई ओवर, उसने कुछ प्लेन्स देखे थे तो फिरोजाबाद से ऊपर उड़ के जाते थे। आप देख रहे हो कि जैसे वहां पे साहेब जो डिफरेंटली सोचता था, इस तरह से यहाँ पे मुकेश जो है वो डिफरेंटली सोचने की कोशिश कर रहा है, उसके बाद खुश है, पर कहीं ना कहीं देखने जाए तो इन बच्चों की जीवन में कुछ भी खुशी नहीं है, उनको ढंग से खाना नहीं मिलता, घर नहीं मिलता, रोजी रोटी नहीं मिलती, सिर्फ बैंगल मेकिंग करना है, फिर भी पैसे की दिक्कत है। ये स्थिति में से काफी बच्चे हमारे दुनिया में गुजर रहे हैं, खास करके भारत देश में चाइल्ड लेबर एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा है। आपको कभी जीवन में मौका मिले तो इस चीज में आप जरूर होइए और पढ़ाने की, या तो उनको अच्छी तरह कुछ फैसिलिटी दे सको, आपकी अगर काबिलियत है प्लीज दीजिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है। ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, एक सीख है, एक समाज को सीख है कि चाइल्ड लेबर को एबॉलिश करना चाहिए, खत्म करना चाहिए। तो आप इस संदेश को जरूर आप तक मत रखें, दूसरों को तक भी फैलाने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच, आप सब सेफ रहे घर पे और बढ़िया रहे, मैं यही कोशिश करता हूँ कि आपको बेटर से बेटर चैप्टर समझा के पढ़ाने की कोशिश करो। आपका भी काम है कि आप रिविजन करो, बढ़िया तरीके से घर पे रह के पढ़ो। थैंक यू।